तो ये सवाल था जो सीबीएसई 2015 में आया। क्वेश्चन आपको क्लियर है? डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की इस इंटरवल पे। तो इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट्स है? तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स इन दिस इंटरवल, पर जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, किसके क्रिटिकल पॉइंट्स? इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इनकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम पॉइंट चूज कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल अपॉन एच। अब हमारे पास एक ही फंक्शन है जिसमें सब कुछ रखना है हमें, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच उसी में रखेंगे हम। तो जीरो प्लस एच ऐसा हो जाएगा मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइ प्लस जीरो प्लस एच प्लस वन माइनस। अब एफ ऑफ जीरो भी उसी में रखना है हमें, ये हो जाएगा मॉड जीरो और मॉड जीरो प्लस वन मीन्स मॉड ऑफ वन होल अपॉन एच। ये हमने जीरो पे रखा तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया। एच बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, एच बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, निगलिजिबल है पर पॉजिटिव है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एच बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ एच की वैल्यू आ जाएगी एच, और मॉड ऑफ वन प्लस एच, ये जो वैल्यू है वन प्लस एच, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव में मॉड में कोई चेंज नहीं होता, तो ये वन प्लस एच ही रहेगा। और माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा जीरो प्लस वन वन होल अपॉन एच। तो ये वन वन कैंसिल हो गए, एच प्लस एच टू एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू एच अपॉन एच विच इज इक्वल टू टू। ये एच से एच कैंसिल हो गया, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ध्यान देना बच्चों, जीरो माइनस एच रखेंगे हम उसी फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास ले दे के एक ही फंक्शन है, वो फंक्शन ये है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें जीरो माइनस एच रख देंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जीरो माइनस एच प्लस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो इसी तरीके से निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला, मॉड ऑफ जीरो प्लस, सॉरी मॉड ऑफ जीरो प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन माइनस एच। अब मॉड ऑफ जीरो माइनस एच तो बहुत क्लियर है, ये एच हो जाएगा क्योंकि आउटकम इसका पॉजिटिव होगा, और अगर माइनस एच लिख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आउटकम होगा एच। और वन माइनस ये जो है, ये वाले केस में आप ध्यान दीजिए, ये लिखा है वन माइनस एच, तो इसका आउटकम होगा वन माइनस एच। क्यों? क्योंकि वन माइनस एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका आउटकम वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। माइनस ये जो वैल्यू है जीरो प्लस वन, ये वन हो जाएगी, वन वन कैंसिल होल अपॉन माइनस एच। एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच डायरेक्ट कैंसिल हो गया लिमिट सब्स्टिट्यूट किए बिना, ये हो जाएगा जीरो अपॉन माइनस एच, जीरो अपॉन माइनस एच जीरो, क्योंकि अभी एच जीरो नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट फंक्शन
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरा पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये थोड़ा खास है, इसको आप ध्यान से देखिए। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे देखना है, तो माइनस वन पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस वन होल अपॉन प्लस एच, और लेफ्ट हैंड में आएगा माइनस एच। तो माइनस वन प्लस एच हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, और वही फंक्शन है आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से ताकि आपको क्लेरिटी रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ माइनस वन प्लस एच प्लस मॉड ऑफ माइनस माइनस वन प्लस एच प्लस वन माइनस ब्रैकेट, यहाँ एफ ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वन प्लस मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन होल अपॉन प्लस एच। माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल। अब जो इसका आउटकम होगा उस ये जो लिखा हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ माइनस वन प्लस एच, तो आप देखिए माइनस वन प्लस एच, एच निगलिजिबल है, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन है, तो इस तरीके का है माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस पर एक माइनस इम्पोज करना पड़ेगा, तो पूरे पे माइनस इम्पोज होगा, तो पूरे पे माइनस इम्पोज कर दिया। ये जो है मॉड एच, ये एच हो जाएगा माइनस, इसको फिर से ध्यान से सुनिए, मॉड ऑफ माइनस वन प्लस एच, तो यहाँ मैंने लिख दिया है एच की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, बहुत छोटी वैल्यू है। जब माइनस वन प्लस ये होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस पॉइंट नाइन 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 इस तरह से, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा तब जा करके क्या बनेगा ये प्लस बनेगा, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ माइनस वन प्लस एच प्लस एच, और ब्रैकेट में देखिए ये वैल्यू मॉड ऑफ माइनस वन हो गया वन, ये हो गया जीरो, तो इसको जीरो को नहीं लिखते, ये लिख दिया होल अपॉन एच। ये रफ वर्क है, इसको चाहें तो कैंसिल कर दें। अब इसको ओपन करेंगे तो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच प्लस एच माइनस वन अपॉन एच, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, और एच से एच कैंसिल हो गया, तो जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो अपॉन एच विच इज जीरो। तो ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस वन होल अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच मॉड ऑफ माइनस वन माइनस एच प्लस, उसी फंक्शन में मॉड एक्स प्लस वन में माइनस वन माइनस एच प्लस वन माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ माइनस वन, कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ माइनस वन प्लस मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन होल अपॉन माइनस एच आएगा। होल अपॉन माइनस एच। अब पूरी बात को फिर से समझेंगे हम, ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दे, नो इश्यू। अब ध्यान दे ये जो माइनस वन माइनस एच है ये माइनस रहेगा,
इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मॉड कैसे खुलेगा? इसको माइनस बनाने के लिए मॉड इसमें माइनस लगा देगा, ताकि ये क्या बन जाए, प्लस बन जाए। लेकिन ये पूरे पे लगाएगा, ऐसा आधे आधे पे नहीं लगाएगा। प्लस ये मॉड ऑफ माइनस एच, इसमें भी माइनस लग जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस एच हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएगा अपने पास मॉड ऑफ माइनस वन इज वन और दूसरा वाला वैल्यू है जीरो, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में आ गया माइनस एच, इसको भी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच प्लस एच माइनस वन, वन वन ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच प्लस एच हो जाएगा टू एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस टू। अब ये वैल्यू माइनस टू आ जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन जो हमको गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज नॉट, आपको डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने को कहा था माइनस टू कॉमा वन ओपन इंटरवल में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि द फंक्शन इज, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, इज डिफरेंशिएबल इन, हमको दिया था माइनस टू कॉमा वन ओपन इंटरवल, तो माइनस टू कॉमा वन माइनस, ये दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएगी, तो ये इसका दूसरे तरह का आंसर हो गया। दोनों बातें अब बुक में किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता। हाँ बोलो सर, हमको इंटरवल दिया था माइनस टू से वन, तो हमने जीरो पे क्यों चेक किया, माइनस टू पे क्यों चेक नहीं किया? वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेक होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से इसके? जीरो और माइनस। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अब जैसा बुक में दिया रहता वो वाला भी मेथड आप समझ लो। तो जो बुक में दिया रहता है तो बुक में ऐसा करते हैं, इसको ध्यान से देखना है ना। बुक में ये डेफिनेशन यूज करेंगे एफ ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ एक्स, वो आपको थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ेगा उसमें। मॉड ऑफ एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। इस पर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके कि मॉड ऑफ क्या होगा, माइनस फाइव है, तो ये फाइव कैसे बनेगा? तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है तो इसका आउटकम एक्स नहीं हो सकता, इसका आउटकम क्या होगा, माइनस एक्स। तभी तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, फाइव। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा है, वो अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस इम्पोज करना पड़ेगा, ये छोटी सी बात है। और पॉजिटिव में तो कोई चेंज चिंता ही नहीं है, मॉड ऑफ फोर है तो ये क्या रहेगा, आपका फोर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, मीन्स मॉड एक्स विल रिमेन एक्स। लेकिन अगर अंदर का नेगेटिव है तो उसको माइनस लगा के पॉजिटिव बनाएंगे, इतनी सी बात है। अब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, आप और हमको जो वैल्यू दी है एक्स की, वो वैल्यू दी है एक्स की वैल्यू दी है ओपन इंटरवल माइनस टू कॉमा वन, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू से बड़ी और वन से छोटी। तो अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट, तीन बल्कि स्प्लिट करेंगे। तो पहला क्रिटिकल वैल्यू हमारा जीरो है, तो ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा आप, एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी हो, जीरो और जीरो से छोटी हो। तो माइनस टू से बड़ी और जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू मन में सोचें अपन, जैसे मान लीजिए मैंने मन में सोच ली इसके बीच की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन, और माइनस वन में इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, यहाँ पे, तो माइनस, सॉरी ओके, माइनस टू और जीरो के पहले एक वैल्यू और आ रही है, वो एक प्रॉब्लम है।
माइनस टू और जीरो के पहले एक वैल्यू क्रिटिकल आ रही है, वो आ रही है माइनस वन, तो हमें ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा माइनस टू टू माइनस वन, और माइनस टू और माइनस वन के बीच की कोई वैल्यू ले ली हमने, माइनस वन पॉइंट फाइव ली, यहाँ पे मैं माइनस वन पॉइंट फाइव लेता हूँ, तो उस माइनस वन पॉइंट फाइव को प्लस बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। यहाँ पर भी देखिए दूसरे वाले पार्ट में, माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस वन, तो मॉड ऑफ माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस वन इस वाले केस में माइनस पॉइंट फाइव हो जाएगा, उसको भी प्लस बनाने के लिए एक माइनस और इम्पोज करना पड़ेगा। अब ये वाला हो गया पहला केस। अब दूसरी बात सुनिए, अगर आपका एक्स जो है वो माइनस वन से बड़ा है, जीरो और जीरो से छोटा है, माइनस वन से जीरो, क्योंकि दो क्रिटिकल वैल्यूज थी माइनस टू और वन के बीच में, एक माइनस टू और ये वन है, इसके बीच में एक वैल्यू थी माइनस वन, दूसरी वैल्यू थी जीरो, तो दोनों पे डिस्कस होगा, तो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक का डिस्कशन करेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक का, एक बार यहाँ से यहाँ तक का। तो माइनस वन से जीरो के बीच की कोई वैल्यू माइनस पॉइंट फाइव ले ली, तो जब माइनस पॉइंट फाइव हम पहले वाले में रखेंगे तो उसको माइनस बनाने के लिए हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसका आउटकम हो जाएगा माइनस एक्स। पर हम जब दूसरे वाले में माइनस पॉइंट फाइव रखेंगे तो माइनस पॉइंट फाइव प्लस वन प्लस पॉइंट फाइव होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्लस है। हाँ, अभी ये कैंसिल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो यहीं कैंसिल कर दें, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल कर दिया, ये सेकेंड केस था। अब इसको हमने दूसरे उसमें डिवाइड किया, इफ जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, वन पे इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि ये वन पे ओपन है, इसी तरह से माइनस टू पे भी ये ओपन है, और ये जो इक्वल टू है ये इक्वल टू आप ये चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों में से एक जगह, या दोनों में भी लगाएंगे तो दिक्कत नहीं, इसी तरह से ये यहाँ पे जीरो में लगा सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या दोनों में से एक जगह लगा सकते हैं। अब जीरो से वन के बीच की वैल्यू पॉइंट फाइव ली, पहले वाले ब्रैकेट में डाली तो वो पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में डाली तो 1.5 हो जाएगा, इस वाले में डाली 0.5, इस वाले में डाली तो 1.5, तो नो चेंज। तो फंक्शन का जो एक्चुअल डिजाइन है वो इस तरह से हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन, इफ माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा दूसरा वाला केस वन, इफ माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, और तीसरा केस हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, इफ जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो माइनस टू पे दोनों केस नहीं है, माइनस टू पे ग्रेटर देन का है, लेस देन और इक्वल टू वाला नहीं है, तो माइनस टू पे डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन होगा माइनस वन पे, क्योंकि माइनस वन पे दोनों चीजें दी है, इसी तरीके से जीरो पे भी दोनों केसेस दिए, तो जीरो पे भी डिस्कस होगा। तो दो पॉइंट्स इससे पता चले हमें, कौन कौन से दो पॉइंट्स, एक तो माइनस वन और एक जीरो। अब आप चाहेंगे तो आप वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, आपके राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे ऊपर निकाले वैसे ही आएंगे, पर आपके फंक्शन का डिजाइन ऐसा हो गया, तो चाहें तो आप ऐसा कर लें और चाहें तो जैसा ऊपर आपको बताया गया वैसा कर लें। तो दोनों में से मेरे को, मुझे ऐसा लगा कि कंपेरेटिवली ऊपर वाला मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी है, तो आप उससे कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था इसका डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देख ही लिया होगा इसको,